या बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि आमचे अपडेट्स मिळवा. लेकिन मैं सालों से, मैं एक्चुअली मैंने एक बार बताया भी था कंगना जी को कि बहुत साल पहले मैंने उनको ऑफिस बुलाया था एक स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए, बहुत अर्ली डेज में. तो आई थिंक उन्होंने जस्ट गैंगस्टर के बाद. गैंगस्टर के जस्ट बाद मैंने बुलाया था और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से नरेशन दिया था कि ये तो हाँ ही कर देगी. बाकी कोई मुझे वैसे भी हाँ नहीं कहता था, तो बोले ये हाँ कह रही है. मुझे कहा कि ये तो कर ही लेगी, इसको ना कर इंग्लिश आती है, ये पहाड़ी है एकदम, कर देगी. वहाँ मना कर दिया मेरी फिल्म को. ये मुझे मुझे बिल्कुल ये इंसिडेंस याद नहीं है, लेकिन ये जिन जिन लोगों के साथ मैं गई थी वहाँ पे, आई थिंक भूपी जी मैनेजर थे, तो तब मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं. नहीं, पहले मुझे लगा कि ये झूठ कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये मुझसे, इनकी ईगो काफ़ी हर्ट हो गई थी. तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है, चाहे मुझे याद हो चाहे नहीं, लेकिन ईगो मैं ज़रूर हर्ट करती हूँ. आपको क्या लगता है इससे कितनी मुश्किल आती है, इस बगावती तेवर से जो हम आपको देखते हैं कि आप अक्सर ईगो हर्ट करती हैं, जैसा कि आप खुद एडमिट करती हैं, और जब हम आपका नाम शाहरुख और अमिताभ बच्चन की परंपरा में अगला नाम जोड़ते हैं कि ये नई नायक हैं, तो कितने उत्साह की बात है और कितनी मुश्किल की बात है आपके लिए? मुझे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अलग है. मैं आज अपने घर से मनाली से जब आ रही थी तो एयरक्राफ्ट में बैठ के मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलना होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे. तो मुझे ऐसे लगा कि क्या मेरी जर्नी सच में ही इतनी अनयूजुअल है कि सिर्फ मुझे लगता है. तो उसमें एक ही आस्पेक्ट है जो उभर के बार बार आता है कि मुझे अपनी हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है. हर चीज़ मुझे लड़के ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़. अब वो ऐसा ही है, मेरी किस्मत ही ऐसी है या मेरी लाइफ ही ऐसी है. सो आई मेड पीस विद इट. और एक आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है. तो मुझे इससे अब कोई दिक्कत नहीं है. और मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टू बी और नॉट टू बी, उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आपको बिल्कुल ही जैसे बगावत करने वाले या रेबल या लड़ाकू या जो भी कहें, आई डोंट टेक इट टेक एन ऑफेंस. अच्छा है जैसा है वैसा है, बट जो मेरा हक है वो तो मुझे लेके ही रहना है, चाहे लड़के मिले चाहे कैसे भी मिले. Woo!